इस प्रकार दोस्तों बल्लू जी चांपावत का 1644 के अंदर यमुना नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। बल्लू जी की छतरी और उनके घोड़े की समाधि आज भी वहाँ बनी हुई है। इसके बारे में एक पुरानी फोटो मिलती है। आगरा के किले के मुख्य द्वार को आज भी अमर सिंह द्वार कहा जाता है। एक बार फिर समय अपनी गति से बढ़ने लगा और इस घटना के 36-37 साल बाद जब 1680-82 के करीब देबारी मेवाड़ के मैदान में आज मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी और मुगल बादशाह औरंगजेब की सेनाएं आमने सामने थी। संख्या बल में ज़्यादा मुगल आज मुट्ठी भर मेवाड़ी सूरमाओं पे अत्यधिक भारी पड़ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, रणभूमि में विचलित महाराणा राज सिंह को आज बल्लू जी चंपावत की बड़ी याद आ रही थी और उन्होंने हाथ जोड़कर अरदास की कि हे बल्लू जी चंपावत, आज अगर विपत्ति के अंदर आप साथ आते तो कितना अच्छा रहता। इतने में देखा जाता है कि देबारी की घाटी के अंदर बल्लू जी के लिए आराधना करने के बाद बल्लू जी कुछ ही पलों के अंदर मेवाड़ी और मुगल सेना भौचक्की रह गई। मेवाड़ नरेश द्वारा दिए गए घोड़े पर सवार बल्लू जी चांपावत दोनों हाथों में तलवार लिए मुगल सेना पर कहर डाल रहे हैं। बल्लू जी जबरदस्त वीरता से युद्ध लड़ते हुए देबारी की घाटी में मुगल सेना को चीरते हुए चले जा रहे हैं। देखते ही देखते मुगल सेना में हाहाकार मच गया। इस युद्ध में मेवाड़ की विजय हुई। देबारी की घाटी में वीर बल्लू चांपावत एक बार फिर वीरगति को प्राप्त हो गए। इस वीरगति की घटना 1644 में आगरे में तलवार बजाते वीरगति को प्राप्त हुए बल्लू जी चांपावत के 36-37 साल बाद दूसरी बार 1680-82 में देबारी की घाटी में तलवार बजाते हुए फिर वीरगति को प्राप्त होते हुए लोगों ने देखा था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने सैन्य सम्मान के साथ एक बार फिर बल्लू जी चांपावत का दाह संस्कार करवाया। यह बल्लू जी का दूसरा दाह संस्कार था। साथ ही मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने मेवाड़ की देबारी घाटी में बल्लू जी की दूसरी छतरी का निर्माण करवाया। आज के भौतिकवादी युग में दुनिया में किसी के लिए, यहाँ तक कि आपके पाठकों के लिए भी यह घटना अविश्वसनीय हो सकती है। इतिहास की इस अद्भुत घटना को भले ही आज के भौतिकवादी न माने, पर मेवाड़ का इतिहास इस बात को भुला नहीं सकता। वह क्षत्रिय मृत्यु के उपरांत अपना वजन निभाने के लिए देबारी की घाटी में युद्ध लड़ने आया, किंतु यह घटना बिल्कुल सत्य है। आगरा और देबारी में स्थित बल्लू जी की छतरी को कोई भी पाठक पुष्टि के लिए जाकर के देख सकता है। अपने संकट काल में बल्लू जी ने लाडनू जिला नागौर मारवाड़ के एक ओसवाल बढ़िया के पास अपनी मूंछ का बाल गिरवी रखकर कुछ धन उधार लिया था और अपनी पुत्री की शादी की थी। अपने जीवन काल में इस बढ़िया से बल्लू जी का लिया हुआ उधार धन लौटा के अपनी मूंछ का वो बाल बंधक से नहीं छुड़वा पाए थे। बल्लू जी की छठी पीढ़ी के वंशज हर्षोलाव नागौर के ठाकुर सूरत सिंह जी चांपावत ने लाडनू के बढ़िया की छठी पीढ़ी को धन का भुगतान करके बल्लू जी चांपावत द्वारा गिरवी रखे हुए मूंछ के बाल को मुक्त करवाया गया। ठाकुर सूरत सिंह जी चांपावत ने लाडनू से अपने पूर्वज बल्लू जी का बाल बंधक से छुड़वा कर बाल की संपूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया। बल्लू जी के इस दाह संस्कार में सारे बल्लू दासो चांपावत एकत्रित हुए और संपूर्ण विधि विधान से बल्लू जी की 13वीं तक के सारे शोक दस्तूर पूरे किए गए। हर्षोलाव नागौर के पराक्रमी सूरवीर योद्धा और वचन के पक्के ठाकुर बल्लू जी चांपावत राठौड़ का यह तीसरा दाह संस्कार था। नागौर सहित संपूर्ण मेवाड़ और मारवाड़ में बल्लू जी का नाम बड़े आदर सत्कार से लिया जाता है। बल्लू जी ने जन्म भी एक बार लिया, शादी भी एक ही छत्राणी से की, किंतु वीरगति दो दो बार प्राप्त की और अंतिम संस्कार उनका 3 बार हुआ। इसके बारे में एक राजस्थानी साहित्य में गजब सा दोहा लिखा गया है, जिसके अंदर कहा गया है, जलम्यो केवल एक बार, परनी एक अजनार, लड़ियो मरियो कोल पर, एक भड़ दो दो बार। अर्थात एक बार जन्म लिया, एक ही नारी से शादी की और अपने वचन पर लड़ने के लिए दो दो बार उपस्थित हुआ और 3 बार उनका अंतिम संस्कार किया गया। ऐसे थे बल्लू जी चांपावत। इनके बारे में बहुत सारे गीत आज भी राजस्थान की कणकण में गाए जाते हैं। कमदज बल्लू यूं कहे, सोहे सुनो सिरदार, बैर अमर अमरारा बाल श्याम, मुगला हुणे मार, कमदजा इसड़ी करो, रहे सूरज लग नाम, मुगला मार जो चौपड़े, होय श्याम रो काम। धन्यवाद दोस्तों।